नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है वो कोई किसी सब्जेक्ट पे नहीं है, वो मैं शुरू करूंगा, लेकिन चूंकि बीच में काफी वीडियो काफी लेट हो गया है, तो मैंने इस वीडियो में एक कुंडली में दिखा रहा हूँ आपको, जो कुंडली मेरे पास आई थी देखने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं कुंडली लगा लेता हूँ। ये कुंडली आप भी नोट कर सकते हैं, कुंडली है ये 27 फरवरी 1970 का टाइम है, 9:35 सुबह गाजियाबाद। ये कुंडली है। इस कुंडली को अगर हम लोग, जो मैंने देखा, जैसे देखा, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा, अगर देखें तो स्टार्ट से कैसे, मतलब इसको देखना चाहिए कुंडली को, ये मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। अब जैसे प्रथम भाव है, पहला भाव है, तो सबसे पहली चीज तो इम्पोर्टेंट ये होती है कि हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे लग्नेश के मित्र हैं वो कौन कौन हैं, लग्नेश के शत्रु हैं वो कौन है, ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि लग्नेश के मित्र कौन, लग्नेश के शत्रु कौन, क्योंकि लग्नेश के मित्र लग्नेश को सपोर्ट करेंगे और लग्नेश के शत्रु लग्नेश को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान होना चाहिए कि कौन लग्नेश के मित्र हैं, कौन लग्नेश के शत्रु हैं। अब इसमें जब हम फर्स्ट भाव से स्टार्ट करते हैं तो हमें मालूम है कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कि तीन चीज मेन होती है उसके अंदर, भाव, भावेश और कारक। ये तीन चीजों को हमको लेके चलना पड़ता है। पहले भाव देखिए, भाव का बल देखिए, फिर भावेश देखिए, फिर कारक देखिए। अब जैसे भाव देखना चाहते हैं, तो भाव में क्या है कि मंगल है, मंगल इसमें मेष राशि है, क्रूर राशि है, भाव के अंदर प्रथम भाव में क्रूर राशि है, मेल राशि है, तो मेल राशि है, क्रूर राशि विषम राशि है, तो जाहिर है जरा सी बात के जो जातक होगा वो थोड़ा मतलब मैनली क्वालिटी का होगा। दूसरी चीज ये चर राशि है, तो वो मतलब डिसीजन पे उसको कोई भी चीज समझा दो तो वो समझ जाने वाला होगा, मतलब आपके साथ एडजस्ट करने वाला होगा, ऐसा नहीं होगा रिजिड होगा, ये एक चीज इसमें रहती है। दूसरी चीज इसमें ये है कि मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है, तो एक ये प्रॉब्लम है क्योंकि मंगल के साथ शनि बैठना थोड़ा प्रॉब्लम है, और शनि इस कुंडली में योग कारक ग्रह तो है नहीं, क्योंकि वो दसवें का और ग्यारहवें का स्वामी है, दसवें का और ग्यारहवें का स्वामी है, लेकिन वृद्धि कारक है, क्योंकि काल पुरुषी कुंडली के अंदर शनि जो होता है वृद्धि कारक होता है, तो लगन की तो लगन को तो बढ़ा रहा है, लगन में तो वृद्धि कर रहा है, वो एनर्जी में वृद्धि कर रहा है, लगन में जो भी रिजल्ट है उनकी वृद्धि वो करेगा। लेकिन शनि के होने से यहाँ पे जातक में एक आलस्य की भावना भी एक आ जाएगी, तो वो एक चीज इसमें रहती है। दूसरी चीज अगर हम देखें, दृष्टि किसकी है इस भाव में, तो दृष्टि देखने के लिए हम देखते हैं कि जुपिटर और चंद्रमा दो ग्रहों की दृष्टि है, दोनों ग्रह शुभ ग्रह है, और केतु की दृष्टि भी है, नौवीं दृष्टि केतु की है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो नेगेटिव पॉइंट है कि इस भाव में शनि बैठा है, केतु की दृष्टि है, तो दो पॉजिटिव पॉइंट भी है कि इस भाव में जुपिटर और चंद्रमा की दृष्टि है। तो कारक अगर हम इसका देखें, सूर्य, सूर्य कारक बन के वृद्धि के भाव में गया है, ग्यारहवें भाव में गया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि राहु केतु एक्सिस में है, लेकिन वृद्धि के भाव में है, तो वृद्धि सूर्य की कारकत्व की होगी। तो कहने का मतलब ये है इसका स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक होगा, ना मान सम्मान इसका रहेगा, लेकिन हेल्थ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मंगल मेष मंगल के साथ शनि बैठा है, तो ज्यादा कदा प्रॉब्लम हेल्थ में, माइनर हेल्थ इश्यूज उसको हो सकते हैं। अब अगर हम देखना चाहें इसका धन के बारे में कि इसका धन कैसा होगा, तो धन के बारे में जाते हैं, तो पहले हम धन भाव देखते हैं। धन भाव में कौन सी राशि बैठी है, वृष राशि बैठी है, सौम्य राशि बैठी है, अच्छा है। अब धन भाव में नजर किसकी है ये देख लेते हैं, तो राहु की नजर नहीं है इसमें, सूर्य की नजर नहीं है इसमें, नजर किस भाव की है, नजर इसमें आपको शायद किसी की नजर ना मिले, जुपिटर की नजर भी नहीं है, चंद्रमा की नजर भी नहीं है, तो नजर इस भाव पे किसी की नहीं है, मतलब अफ्लिक्शन इस भाव पे कोई नहीं है, तो भाव
ठीक है, भाव पे अगर कोई अफ्लिक्शन ना हो तो भाव ठीक होता है। भाव का स्वामी कहाँ चला गया? शुक्र। शुक्र चला गया है 11वें भाव में, वृद्धि के भाव में। अच्छा है, वृद्धि के भाव में गया अच्छा है, परंतु वहां पे वो राहु केतु एक्सिस के अंदर है और सूर्य के साथ है। सूर्य इस कुंडली में त्रिकोणेश है तो बुरा नहीं है, त्रिकोणेश है सूर्य इस कुंडली के अंदर तो इतना बुरा नहीं है। तो कारक अगर हम देखें तो कारक बनता है गुरु। गुरु नीचे केंद्र में बैठा हुआ है, सातवें भाव में गुरु केंद्र में है तो वो भी अच्छा है केंद्र के अंदर जाना। तो कहने का मतलब ये है कि धन संपत्ति की प्रॉब्लम इसको नहीं रहनी चाहिए, अथा धन तो इस पे नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो गुरु, वो गुरु है गुरु मंगल शनि और राहु से दृष्ट है, जो कारक है धन भाव का, जो कारक है, जो स्थिति हमें धन की बहुत अच्छी लगती है लेकिन मंगल शनि और राहु से गुरु की, गुरु को दृष्ट होने की वजह से कारक इस भाव का कमजोर पड़ जाता है, पीड़ित हो जाता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि हाँ जीवन यापन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन अथा धन या विपुल धन इसके पास नहीं हो पाएगा। ये चीज इसके अंदर हमें नजर आती है। आप समझ गए, क्योंकि मंगल शनि और राहु की दृष्टि है जुपिटर के ऊपर, जुपिटर जो धन का कारक है, दूसरे भाव का कारक भी है, तो हमें भाव, भावेश और कारक तीनों चीज देखनी है। ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं, अगर सपोज कीजिए चौथे भाव को हम देखते हैं, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूं इसके अंदर कैसे देखना चाहिए। चौथे भाव को हम देखते हैं तो देखिए चौथे भाव में बुध की दृष्टि है, बुध एक सौम्य ग्रह है तो अच्छी है। चौथे भाव में मंगल की दृष्टि भी है, चौथी दृष्टि मंगल की है वो अच्छा नहीं है, बुध की दृष्टि है, सौम्य ग्रह की दृष्टि है वो अच्छा है, सौम्य राशि बैठी है वो अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि चौथी दृष्टि है वो चीज ठीक नहीं है। अब इसमें एक चीज हम देखें तो भाव तो ठीक 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 ठाक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ही ग्रह की दृष्टि इस पे नेगेटिव पड़ रही है, एक ग्रह की दृष्टि इस पे पॉजिटिव पड़ रही है, तो भाव को हम ठीक मान सकते हैं। भाव का स्वामी चंद्रमा जो है वो केंद्र में गया है, वो सातवें भाव में गया है। अब चंद्रमा भाव का स्वामी, चंद्रमा सातवें भाव में जाने से मंगल शनि और राहु से पीड़ित है, मंगल शनि और राहु तीनों की दृष्टि उसके ऊपर है, तो ये एक प्रॉब्लम है इस जातक के लिए कि चंद्रमा इस कुंडली का पीड़ित हो गया। और चंद्रमा ही इस कुंडली का कारक है, अगेन वो मंगल शनि और राहु से पीड़ित है, तो इसमें मतलब देखने में तो ऐसा लगता है कि इसके पास सब कुछ होना चाहिए, लेकिन अब जो कारक कारक इसके पास है, अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, अगर आप देखें तो यहां पर एक राजयोग बनता है। राजयोग क्या बनता है, कहते हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर साथ बैठ जाए तो राजयोग बनाते हैं। तो जुपिटर जो है सातवें भाव में, बृहस्पति, वो भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है यानी त्रिकोण का स्वामी है, चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, तो चतुर्थेश और भाग्येश यानी चतुर्थेश और नवमेश अगर साथ बैठ गए तो वो एक राजयोग बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छा सुख होना चाहिए, बट मंगल शनि और राहु की दृष्टि ऊपर पड़ने के कारण वो सुख में थोड़ी कमी आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि मकान होगा तो मकान इनका बेचा भी जा सकता है, गाड़ी होगी तो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है गाड़ी का, तो ये एक चीज है कि प्रॉपर्टी इनके पास होते हुए भी प्रॉपर्टी इनको बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि इतना अच्छा राजयोग होते हुए मंगल शनि और राहु ने उस राजयोग को, उस राजयोग का राज जो है वो भंग कर दिया और केवल एक सिंपली एक योग रह गया इसके अंदर। अब अगर हम चलते हैं इसके पांचवें भाव पे, संतान भाव पे चलते हैं तो देखिए केतु बैठा हुआ है, वीनस राहु है, वीनस राहु यहाँ पे बैठा हुआ है और स्वामी अगर देखें सूर्य, संतान भाव को स्वामी उसका देख रहा है, संतान भाव को उसका स्वामी सूर्य देख रहा है, तो इसका मतलब भाव तो बलवान है, भाव बलवान है, और भाव का स्वामी 11वें भाव में गया है तो भी बलवान है। कारक देखें गुरु, वो मंगल शनि और राहु से पीड़ित है, तो कहने का मतलब ये है, अब इसमें सारा रिजल्ट कंक्लूड करें तो ऐसे निकलता है
कि अपने ही भाव से द्रस्त होने के कारण भाव बहुत बलवान है और भाव का स्वामी वृद्धि में, वृद्धि के भाव में गया है, ग्यारहवें भाव में गया है, तो संतान तो होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन संतान का जो कारक होता है, इस भाव का भी जो कारक है और संतान का भी जो कारक है, वो जुपिटर होता है। जुपिटर मंगल शनि और राहु से द्रष्ट है, तो जुपिटर के मंगल शनि राहु से द्रष्ट होने की वजह से संतान तो उसके हुई लेकिन पुत्र संतान नहीं हुई। तो ये एक इसमें ये जरा सा इसके अंदर रह गया, अगर जुपिटर की स्थिति ऐसी ना होती तो शायद पुत्र संतान होती, और संतान तो हुई क्योंकि सूर्य की दृष्टि है अपने भाव के ऊपर और भावेश भी वृद्धि के भाव में गया हुआ है, तो संतान तो प्रॉमिस करता है। पर चूंकि कारक पीड़ित है, संतान का कारक है जुपिटर, पीड़ित है, पुत्र कारक जो कहलाता है, तो इसकी वजह से इनके पुत्र नहीं है, पुत्री है संतान में। तो ये एक चीज इसके अंदर हो जाती है। अब इस कुंडली का अगर हम छठा भाव देखें, छठा भाव आप देखिए, छठे भाव में क्या चीज दिखाई पड़ती है? छठे भाव में किस कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, किस ग्रह की दृष्टि है? किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है छठे भाव के ऊपर, कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना शनि की दृष्टि है, ना मंगल की दृष्टि है, ना राहु की दृष्टि है, ना सूर्य की दृष्टि है, छठे भाव पे किसी की दृष्टि नहीं है। तो भाव ठीक है, भाव ठीक है, भावेश इसका जो बुध है वो केंद्र में बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है भावेश बुध, और अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में। तो भावेश अच्छा है, केंद्र में गया है, बहुत अच्छा है। कारक देखें इस भाव का, मंगल, मंगल लग्न में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ, मंगल लग्न में बैठा है और वो जुपिटर चंद्रमा की दृष्टि भी है उसके ऊपर, हालांकि साथ में वो शनि भी बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि कारक शनि के साथ बैठने की वजह से थोड़े बहुत रोग वगैरह तो हो सकते हैं, लेकिन रोग से लड़ने की शक्ति इनके अंदर पूरी होगी, ऋण को चुका, ऋण लेंगे तो ऋण चुकाने की शक्ति इनके अंदर पूरी होगी, उसमें कुछ नहीं होगा। और जातक जो है वो संघर्षशील होगा, क्योंकि लग्न का स्वामी जातक, वो छठे भाव का स्वामी लग्न में गया है, तो जातक संघर्ष करने वाला होगा, संघर्षशील होगा, और अपनी संघर्षशीलता की वजह से ही वो रोगों से लड़ेगा, शत्रुओं से लड़ेगा, ऋण से लड़ेगा, तो वो सब चीजें उस पर हावी नहीं हो पाएंगी। ये एक चीज इसके अंदर आती है। सातवां भाव अगर देखें तो हम जस्ट एक छोटा सा देख लेते हैं इसके अंदर के सातवें भाव में जुपिटर और चंद्रमा बैठे हुए हैं, हालांकि चतुर्थेश नवमेश का योग है, लेकिन सातवें भाव पे दृष्टि किसकी है? मंगल शनि और राहु की दृष्टि है। तो मंगल शनि राहु की दृष्टि होने से भाव कमजोर है, और सातवें भाव का स्वामी जो है वीनस, वो ग्यारहवें भाव में गया है, वृद्धि के भाव में गया है, लेकिन वहां पे वो राहु केतु एक्सिस में है और सूर्य के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि दाम्पत्य जीवन इतना सुलभ नहीं है जैसा लग रहा था देखने में, कि वो जुपिटर बैठा है, चंद्रमा बैठा है, तो मंगल शनि और राहु की दृष्टि होने की वजह से दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि जो इसका कारक है दाम्पत्य जीवन का शुक्र, वो भी राहु केतु एक्सिस में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो वो भी पीड़ित हो जाता है। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्या इनके अंदर दिखाई पड़ती है। अब हम नाइन्थ हाउस को अगर देखें, सेवन्थ हाउस को तो देख लिया हमने, नाइन्थ हाउस को देखते हैं। नाइन्थ हाउस में देखें तो नाइन्थ हाउस के अंदर कोई ग्रह नहीं है, नाइन्थ हाउस में धनु राशि है, अशुभ ग्रह की राशि है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि भले ही विषम राशि हो, लेकिन शुभ ग्रह की राशि है, तो ये अच्छी बात इसके अंदर है, धनु राशि है। इसका धनु राशि में इस भाव को कौन देख रहा है? अगर इस भाव को आप देखें तो इस भाव को भी कोई नहीं देख रहा, ना जुपिटर देख रहा है, ना शनि देख रहा है, ना मंगल देख रहा है, इस भाव को भी कोई नहीं देख रहा। इसका जो भावेश है वो कहाँ पर है? भावेश इसका केंद्र में गया है, जुपिटर भावेश बनता है, वो केंद्र में गया है, लेकिन वो फिर दोबारा से मंगल शनि और राहु से त्रस्त है। कारक इस भाव का कौन है? वो भी जुपिटर है, तो वो भी मंगल शनि राहु से त्रस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि बृहस्पति केंद्र में है और केंद्र के स्वामी और चतुर्थेश का योग बनता है, केंद्र की चतुर्थेश है, भाग्येश का योग बनता है, तो राजयोग बनता है, सब कुछ है, केंद्र में जाकर राजयोग बना रहा है बृहस्पति। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ मंगल शनि और राहु की दृष्टि की वजह से उसका वो राजयोग नहीं बन पा रहा है, जैसे मैंने पहले कहा। तो होता क्या है कि जातक धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता। जातक के पिता के साथ थोड़ी समस्या रहती है,
एक प्रॉब्लम इनके अंदर जाती है। धर्म के क्षेत्र में रुचि होती है परंतु उसको रुचि को पूरी तरीके से वो निभा नहीं पाते क्योंकि कारक कमजोर हो गया। भाव अच्छा था, भाव के भवेश ने एक राजयोग बनाया, तो सब कुछ इच्छा है, धर्म पे मार्ग पर चलने की रुचि भी है, पिता से अच्छे संबंध रखने का भी रुचि इसके अंदर है क्योंकि पिता का भाव भी यही भाव होता है, और भाग्य उदय होने की भी पूरे इसमें चांसेस हैं। लेकिन बस कारक सिर्फ इसमें मंगल शनि और राहु की वजह से थोड़ा पीड़ित हो गया है, जिसकी वजह से मतलब धर्म पे मार्ग पे रुचि होते हुए भी या भाग्य का इंक्रीज होते हुए भी कुछ ना कुछ उसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा, यानी रुचि होगी परंतु कर नहीं पाएंगे उसको ठीक से, ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर हो जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें दसवें भाव को, तो दसवें भाव को आप देखिए, दसवें भाव में सबसे बड़ी बात यह है कि बुध ग्रह बैठा है, शनि की राशि है और उस भाव को उसका स्वामी देख रहा है, शनि देख रहा है। दसवें भाव को टेंथ लॉर्ड देख रहा है, शनि की दसवीं दृष्टि है, 7, 8, 9 और 10, तो भाव बहुत बलवान हुआ, भावेश लगन में है मंगल के साथ, दैट्स वेरी नाइस, और जुपिटर और चंद्रमा की दृष्टि है उसके ऊपर, ये भी बहुत अच्छा हो गया। कारक अगर देखें इस भाव का, बुध स्वयं उस भाव में बैठा हुआ है, शनि भी कारक देखें अगर इसका, शनि भी कारक मान लें इस भाव का, कर्म का कारक, वो भी लगन में बैठा हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर देखें मतलब कर्म, ये जो इसमें बुध ग्रह बैठा हुआ है ये क्या है, ये कर्म भाव में बैठा हुआ है और ये है कौन, ये है पराक्रमेश, पराक्रम का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी है, पराक्रमेश है। आल्दो छठे भाव का स्वामी भी है, तो छठे भाव का स्वामी शस्तेश होकर भी उस भाव में बैठा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पराक्रमेश होकर भी इस भाव में बैठा हुआ है। तो जातक में जॉब में ये तो जरूर है क्योंकि शस्तेश भी वहां बैठा हुआ है कि संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत पराक्रम की वजह से अपने बहुत सफल रहेगा उसके अंदर, पराक्रम की वजह से, क्योंकि पराक्रमेश उसके अंदर बैठा है, सफल रहेगा, और क्योंकि भाव के ऊपर भाव के स्वामी की दृष्टि है तो भाव भी बलवान है, वो सब अच्छा है, लेकिन भाव में एक कमी ये हो गई है कि भाव के अंदर सस्तेज चला गया है, क्योंकि बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो छठे भाव में है, और आप जानते हैं कि छठे आठवें बारहवें के स्वामी जहां पे जाते हैं या जिसके साथ बैठते हैं उसके कार्यकर्ताओं की हानि करते हैं। तो सब कुछ जॉब अच्छा होते हुए, पराक्रम होते हुए, सब कुछ होते हुए बहुत अच्छा है, लेकिन संघर्ष थोड़ा उसमें रहेगा। तो ये इस तरीके से आप इस कुंडली को मतलब इसमें देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग ग्यारहवां भाव देखे हैं, अगर इस कुंडली का ग्यारहवां भाव देख लेते हैं, तो देखिए ग्यारहवें भाव में अगर आप देखें तो शनि की राशि है, ग्यारहवें भाव में वीनस बैठा है, शुक्र बैठा है, शुभ ग्रह है, राहु बैठा है, राहु भी शनि की तरह ही काम करेगा, सूर्य बैठा हुआ है, तो तीन तीन ग्रह वृद्धि के भाव में बैठे हुए हैं, तो वृद्धि तो इसके अंदर करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि इसका कारक कौन है, ग्यारहवें भाव का जुपिटर है। अगेन देखिए, हमने कहा कि पहले भाव देखिए, फिर भावेश देखिए, फिर कारक देखिए। भाव देखा आपने तो भाव में दृष्टि किसी की नहीं है, जुपिटर की दृष्टि है भाव में, ये एक अच्छी चीज है। लाभ भाव पे जुपिटर दृष्टि होने से लाभ इंक्रीज होता है, बृहस्पति की पांचवी दृष्टि लाभ भाव पे पड़ती है, और किसी ग्रह की दृष्टि इसमें सातवीं दृष्टि केतु की भी पड़ती है इसके अंदर लाभ भाव पे, ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया इसमें, तो बाकी दृष्टि किसी की नहीं है। लाभ भाव में जो स्वामी है वो शनि लगन में बैठा हुआ है मंगल के साथ, अच्छा है, शनि अच्छी पोजिशन पे गया है, जुपिटर और चंद्रमा उसको देख रहे हैं, तो कहने का मतलब यह है कि लाभ भाव के कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन कारक अगर इस भाव का देखें, लाभ भाव का कारक कौन होता है, जुपिटर होता है, कारक शनि मंगल और राहु से पीड़ित है, तो मतलब यह है कि इतना अच्छा लाभ दिखाते हुए भी बहुत ज्यादा लाभ इस जातक को नहीं हो पाएगा, ठीक ठीक इसका काम रहेगा, मतलब ज्यादा लाभ इसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि जुपिटर पे जो लाभ भाव का कारक है उसके ऊपर मंगल शनि और राहु की दृष्टि है। तो इसी तरीके से आप कुंडली को देखें,
भाव देखें, भावेश देखें, कारक देखें, दृष्टिया देखें कि किसकी दृष्टि है, कैसी दृष्टि है। साथ में ये देखें कोई राजयोग तो नहीं बन रहा है, कोई केंद्र त्रिकोण के स्वामी का योग तो नहीं बन रहा है, क्या वो राजयोग रियली फलित होगा या नहीं होगा, या दृष्टि की वजह से या अफ्लिक्शन की वजह से उस राजयोग के अंदर भंग हो जाएगा। ये सब चीजें आप कुंडली में देखेंगे तो आप इससे कुंडली को ठीक से जज कर पाएंगे। और आशा करता हूं कि आपने ये समझा होगा कि कैसे इस कुंडली को देखना है। कोई भी कुंडली को देखना है तो इसी तरीके से आप कुंडली को देखिए, भाव, भावेश, कारक और कौन से राजयोग बनते हैं, केंद्र कोण के स्वामी का राजयोग बनता है, ये सब चीज चेक कर लीजिए। इसके अंदर दृष्टियां कैसी है, पाप ग्रह की दृष्टि हमेशा पापी होती है, मतलब पाप ग्रह की दृष्टि हमेशा नुकसान करती है, शुभ ग्रह की दृष्टि हमेशा फायदा करती है, चाहे भले ही शुभ ग्रह उस कुंडली के अंदर तात्कालिक रूप से अशुभ ग्रह क्यों ना हो। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया हो, समझ में आए तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।